हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया घोड़ा लेने जा रहे हैं। ये घोड़ा राजहंस घोड़े का पोता है और उम्र है इसकी 2 साल। हमारा बेसिक पर्पज़ तो इसको राइडिंग के लिए ही ख़रीदने का है और लेट्स सी राइडिंग में कैसा निकलेगा। उसको थोड़ा अभी स्टार्ट किया हुआ है राइडिंग के लिए, बट नॉट फुली ट्रेंड फॉर राइडिंग। विशेष लक कि हम सही सलामत घर पहुंच गए। हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और ये खड़ा है हमारा घोड़ा। ये हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने हमें गिफ्ट किया है। इसकी उम्र है 2 साल। नाम इसका हम अभी रख देंगे और इसका ग्रैंड सायर है शानदार, सॉरी राजहंस, और सायर है राजरूप करके घोड़ा था सरदार सुखबीर सिंह जी बादल की स्टेबल पे, ये उसका बच्चा है। इसकी डैम जो है वो ग्रे मेयर है, मगर अभी तक इसके ग्रे होने का कोई भी एक भी सिम्टम हमें मिला नहीं है। उम्र इसकी छोटी है, 2 साल है, और हाइट इस समय इसकी 61.5 है। अच्छी बिल्ट का घोड़ा है। हमेशा मैं एक ही बात कहता हूँ कि घोड़े कभी भी पैसे से नहीं मिलते। घोड़े अपना दाना पानी लेके आते हैं और घोड़े मिलते हैं सिर्फ रिलेशन से। अगर पैसे से ही घोड़े मिलते तो अच्छे अच्छे घोड़े सिर्फ पैसे वालों के घर पे ही होते, मगर बार बार नया भीड़ आम पब्लिक के पास भी आते रहते हैं, शौकीनों के पास आते रहते हैं, बार पैदा होते रहते हैं। शरीफ ही है घोड़ा। हाँ, इस घोड़े को थोड़ा बहुत राइडिंग के लिए शुरू किया गया है। हम लोग आज इसको यहाँ से लॉन्ग राइडर रेंच पे ले आएंगे। घोड़ा शरीफ है और आदमी से नहीं डरता है। मैं और जेटी भाई इसको ट्रेलर में लोड करके ले जाएंगे। ट्रेलर लोडिंग अपने आप में एक लंबा प्रोसेस है और कई बार कोई घोड़ा अड़ जाए तो वो हो सकता है आपके कई घंटे लगा दे। हमारे साथ एक बार हुआ कि घोड़ी हमने खरीदी मगर उस घोड़ी को हमें छोड़ के ही आना पड़ा। और ये घोड़ा वैसे तो बाज़ार घूमता है, इधर उधर जाता है भीड़ में, मगर ट्रेलर लोडिंग इसकी फर्स्ट टाइम है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसकी सारी जो डर है वो मिटा के ले जाएं और इस पे कोई सख्ती हमें ना करनी पड़े। मैं तो नॉर्मली वीडियो पे ही रहता हूँ क्योंकि अब इन सब चीज़ों को जेटी भाई हैंडल करते हैं और बहुत अच्छा हैंडल करते हैं। पहले ये सब काम मैं अपने हाथों से बहुत बार कर चुका हूँ। महिंद्रा पिकअप में, ट्रक में 6-6 घोड़े भी मैंने ट्रांसपोर्ट किए हैं, मगर अब समय ऐसा है कि मेरे छोटे भाई जेटी भाई इन चीज़ों को टेक ओवर कर चुके हैं तो मुझे थोड़ी सी रिलैक्सेशन है। नॉर्मली घोड़े को थोड़ा बहला फुसला के हम चढ़ाने की कोशिश करेंगे। सबके अपने तरीके होते हैं, हमारा तरीका यही है कि घोड़े के पैर धीरे धीरे आगे करते जाएं। घोड़ा इस तरह से ना माने तो घोड़े के अगले पैरों में रस्सी भी डाली जा सकती है। घोड़े को चढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप उसको पीछे से डरा भी सकते हो, कई घोड़े उसी से धमाधम ट्रेलर में चढ़ जाते हैं। कोई नहीं, धीरे धीरे। सबका अपना मूड है, सो सब घोड़ों पे एक ही फॉर्मूला लागू नहीं होता। पैर उठा के आगे रख दो एक कदम। पीछे से हमने डराने की भी कोशिश की एक झाड़ी से आवाज करके, उधर मगर उससे ये नहीं माना। कई लोग इसको ट्विच लगा लेते हैं आगे और पीछे से दो बंदे धकेल के भी अंदर फेंक सकते हैं, मगर हमारी कोशिश है कि ये अपने आप इस चीज़ को, इस प्रोसेस को समझ जाए, पहला फैसला के हम इसको ले जाएं। ये तो घोड़ा शरीफ है, कई घोड़े तो लातों को हाथ भी नहीं लगाने देते और बार बार खड़े होते हैं और ट्रेलर के पास भी नहीं जाना चाहते। ये विलिंग तो है मगर ये डरा हुआ है। बहुत बार डर काम आता है, ताड़ी बजा दो, पीछे से डरा दो।
कई लोग घोड़े को सीधा ही जाइलाजिन जो एक ट्रंकलाइजर होता है वो लगा के भी ट्रेलर में चढ़ा लेते हैं। खैर हमें तो इस घोड़े को बार बार ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि अगर ये हमारी राइड में जाता है तो इसको ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अगर बिल्कुल बस नहीं चलता, थोड़ा कॉपरेट नहीं करता, तो फिर उसको ट्रंकलाइजर लगाना कोई बुरी बात नहीं है। खैर हमारी तरकीब काम कर रही है और वो काफ़ी आगे तक चला गया है घोड़ा। ये घोड़े के लिए एक स्कूल की तरह है और नई चीज़ सीखने में थोड़ी सी हिचकिचाहट ज़रूर होती है और बहुत सारे घोड़े तो ये काम तुरंत ही कर देते हैं। ऐसे धक्का दे देते बस ये देख ठीक है। हाँ ना भाजी अगले अगले रखांगे हले जी बस 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 शाबाश ऐ दूजा रख दो। वो बच्चे बहुत अच्छे घोड़े थापी थुपी दो। अब पिछला पैर एक उठा के ऊपर रख दो बस। कोई नहीं भाजी थोड़ा पुट्ठा कर दो अगे नू धकेल लो थोड़ा जा भाई टेढ़ा टेढ़ा है नू धक्का दो ये उन्ने नाल पैर रिलैक्स हो जाएगा ना। अब हूँ एक गला पैर नू कर दो बस शाबाश भाई घोड़े शाबाश भैया। ऐसे ही इधर वाला पैर रख दो प्लीज अगले वाला अगले वाला वेरी गुड। हाँ देखो शाबाश शाबाश घोड़े शाबाश घोड़े ट्रेलर च पाया जी ट्रेलर च। जब आपका प्यार काम ना आए तो थोड़ा सा मार का डर बहुत काम करता है। आपके पास एक ऐसी विप होनी चाहिए जो आवाज़ करे। मारने की ज़रूरत नहीं होती, विप की आवाज़ से भी घोड़े खूब डरते हैं। जब आप घोड़े को मार देते हो उसके बाद एक मारा या 100 मारे घोड़ा कभी नहीं समझता। ये काम सिर्फ उसकी आवाज़ से ज़्यादा होता है। तो हम लोग एक विप ज़रूर रखते हैं जो आवाज़ करती है और घोड़े को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आप मारोगे तो उल्टा आपका घोड़ा जड़ हो जाएगा, भले फिर आप एक बार मार दो या 100 बार मार दो। सो डराने से ये काम आसान भी हो जाता है। इस वीडियो में आपने दोनों ही तरीके देखे। थोड़ा सा पीछे से धमकाने से ये काम और भी आसान हो गया। घोड़े को सेफली अंदर बांध देना चाहिए और इस तरह बांधना चाहिए कि घोड़ा खुल ना जाए और दूसरा घोड़ा खड़ा होकर पीछे ना हटे, आगे जो फीडर है उसमें अपने पैर ना फंसा ले। फाइनली जॉब डन और हमारा घोड़ा लोड हो गया है। एक दो बार घोड़ा ट्रेलर में कूदता ज़रूर है। और उसके बाद अपने आप शांत हो जाता है। ये हम पहुंच गए हमारे फार्म पे। देखो भाई ठीक है पुरजा। और ये है हमारा घोड़ा, इसका नाम अभी रखना बाकी है। मेरी कोशिश यही होगी कि इसका कोई पंजाबी या हिंदी का वाला नाम ही रखा जाए। कोई गोल चक्कर खा ली है? अब देखते हैं इसका कोई देसी नाम सुंदर सा शब्द सुजेस्ट भी कर सकते हैं, हम उस नाम को भी रखेंगे। मगर प्लीज़ ये मत सोचिए कि आपने हमें सजेस्ट किया
हमने वो नाम नहीं रखा। ग्राउंड पैन में छोड़ दिया है ताकि घोड़ा लीद पेशाब कर सके और लेट के अपनी थकावट उतार सके। कई बार स्ट्रेस से घोड़े लेटते भी नहीं हैं और लीद पेशाब नहीं करते तो कॉलिक का डर रहता है। इट्स ए गुड साइन कि नई जगह पे आके घोड़े ने पेशाब किया, अपनी मार्किंग छोड़ी। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए, और जल्द आपको ये घोड़ा अंडर सैडल भी नज़र आएगा। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰਾਈਡਿੰਗ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾ।